केकिन दारूवाला जो हैं उनका जन्म जो है 24 जनवरी 1937 को हुआ था, और वे एक इंडियन पोएट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जो अंग्रेजी में लिखते थे। ही इज़ ऑल्सो अ फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, वो पुलिस सर्विस में भी थे, और उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से 1984 में नवाजा भी गया है। उनके पोइट्री कलेक्शन के लिए द कीपर ऑफ द डेड और इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा इनको यह अवार्ड दिया गया। ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री ऑल्सो एंड द फोर्थ हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इन 2014। 2014 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो द फिश इनके द्वारा लिखी हुई कविता है वो क्या है, इसका थीम क्या है एंड वॉट इज इट्स इम्पॉर्टेंस। द फिश जो पोएम केकेएन दारूवाला की है, ये बहुत ही कैप्टिवेटिंग पोएम है, यानी कि अपने तरफ हमें खींचती है, हमें मंत्रमुग्ध कर देती है और बहुत ही विविडली सब कुछ पोर्ट्रे करती है। जैसे रिलेशनशिप को, कैसे समुद्र के साथ एक मछली का रिलेशनशिप है और एक तरह से इंटरप्ले करती है, दिखाती है रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड डेथ थ्रू इट्स डिटेल्ड इमेजरी एंड इंट्रोस्पेक्टिव टोन। अगर आप इसमें आत्ममंथन करेंगे तो इसके इमेजरी से आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जो पोएम है वो थीम को दिखाते हैं, इसमें मोर्टैलिटी, इम्परमानेंस जिसको कहते हैं, अनिश्चितता जिंदगी की एंड द इनएक्सप्लोरेबल साइकिल ऑफ लाइफ, और इस जीवन के उस तथ्य को दिखाता है जो इनएक्सप्लोरेबल है, जिसको तलाशा नहीं जा सकता है, खोजा नहीं जा सकता, ऐसा साइकिल ऑफ लाइफ को दिखाता है। ये जो है पोएम है ये ओपन होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिशेज अराइवल, यानी मछली के आगमन के साथ, एम्फेसाइजिंग इट्स फिजिकल फीचर, जो इसके फिजिकल फीचर को दिखाता है, इसके कर्व्ड स्नाउट यानी इसके जो चेहरे को आप कहते हैं मछली का जो मुंह होता है उसके कर्व्ड मुंह को दिखाता है, टिन कलर्ड इसका जो शरीर है, ब्रैंकल्स है, और इसका जो नाक है, रोज मोल्स, ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। द इमेजरी ऑफ द कर्व्ड स्नाउट एंड टिन कलर्ड ब्रैंकल्स ये हाईलाइट करते हैं कि ये फिश जो है बहुत ही यूनिक है, और इसका एक पुराना जिसको यूनिक और एंशियंट अपीयरेंस है उसको कवि यहाँ दिखाते हैं। दूसरी तरफ जो रोज मोल्स हैं वो प्रोवाइड करता है सेंस ऑफ डेलिकेसी को, यानी उस तरह के सॉफ्टनेस को, सुंदरता को जो एक मछली में दिखाई पड़ता है। ये जो फिश का कनेक्शन है सी के साथ उस पर जोर देते हुए कवि कहते हैं द सी केम इन विथ हर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी बिटवीन द फिश एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी समुद्र और मछली का दोनों का रिश्ता बहुत ही पुराना है। द जक्स्टापोजिशन ऑफ द फिशेज फिजिकल एट्रीब्यूट्स विद इट्स इंटरनल स्टेट, पर्टिकुलरली इट्स ट्रांसलूसेंट आइज, इसके आँखों के बारे में कवि जो कहता है कि इसकी आँखों से आर पार सब कुछ दिखाई पड़ता है, क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कंट्रास्ट, एक प्रकार का कंट्रास्ट दिखाता है। द फिशेज आई बींग हाफ अवेयर ऑफ हाफ अनअवेयर, इसमें आप चीज़ों को आधा जान सकते हैं, आधा ऐसी चीज़ें हैं, आधी ऐसी चीज़ें हैं जो अनअवेयर हैं, और उसके बारे में, उसकी गहराई के बारे में, उसके अंदर छिपी हुई उस तथ्य और रहस्य के बारे में हम नहीं जान सकते हैं। सजेस्ट अ स्टेट ऑफ बीइंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जो मृत्यु और जीवन को दिखाती है, यानी जीवन के बहुत सारे पहलुओं को हम समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, मृत्यु तो ऐसे भी अनसुलझी पहेली है। सजेस्ट अ स्टेट ऑफ बीइंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ठीक है, वेयर द फिश इज स्टिल समवॉट कॉन्शियस डिस्पाइट इट्स इम्पेंडिंग फेट, यह जो सजेस्ट करता है लाइन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, साथ ही साथ फिश के उस भाग्य को दिखाता है कि उसका अंतिम भाग्य क्या है। दिस पोर्ट्रेल कंट्रीब्यूट्स टू द थीम ऑफ मोर्टैलिटी एंड द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, यह दिखाता है कि एक तरह से सारी चीजें जो हैं यहाँ पर वो मॉर्टल हैं, मरणशील हैं, और ये ट्रांजिएंट नेचर को दिखाता है, यानी मछली का अंतिम भाग्य है उसकी मृत्यु। जैसे ही पोएम आगे बढ़ती है इमेजरी बिकम्स मोर सॉम्बर, यहाँ पे और भी क्लियर होता है, बहुत ही सॉम्बर तरीके से, सूक्ष्म और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कवि बताते हैं। द फिशेज आइज ग्रेइंग इन टू स्टोन, उसकी आंखें जो हैं वो पत्थर की तरह ग्रे होता जा रहा है, सिम्बलाइज द ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम लाइफ टू डेथ, कैसे कैसे जीवन से मौत की तरफ वह बढ़ रही है उसको दिखाता है। एंड द मेंशन ऑफ द सिमिटर स्नाउट एम्फेसाइजेज द फिशेज अल्टीमेट वल्नरेबिलिटी, यानी किस तरह से वह मौत और जिंदगी के बीच में फंसी हुई है इस चीज पर एम्फेसाइज करता है। द पोएट्स मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल इन डिस्क्राइबिंग द फिशेज फिजिकैलिटी अंडरस्कोर इट्स सिग्निफिकेंस इन द लार्जर नैरेटिव, और आगे जब हम इसको पढ़ते हैं
तो उसके फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ इसका जो महत्व है लार्जर नैरेटिव में, कवि जो है बहुत ही चतुरता से हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं, हमारा अटेंशन लेते हैं और डिस्क्राइब करते हैं उसके फिजिकल अंडरस्कोर से, फिजिकलिटी से, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस जो है वो आगे हमें और भी बताते हैं कैसे उसकी फिजिकल ब्यूटी बाद में ख़त्म हो जाएगी। ये जो पोएम है वो इमोशनल एपेक्स पे हमें ले जाती है, यानी भावनात्मक पराकाष्ठा की तरफ ले जाती है, जब जो सी है समुद्र जो है मछली को बालू पर ले आता है। द इमेज ऑफ फिश रैप्ड इन सी वीड, यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार मछली जो है वो रैप्ड हो जाती है, लपेटी हुई होती है समुद्र के उन खर पतवारों में, एंड स्लैप्ड हर ऑन द सैंड, और कैसे वह पड़ी हुई रहती है बालू के ऊपर। इवोक्स अ सेंस ऑफ फाइनलिटी एंड पावरलेसनेस, और इसी प्रकार सारे मनुष्यों का भी जीवन है जैसे इस मछली का अंत होता है उस बीच पर, किनारे पर जहाँ बालू में वो लिपटी हुई है। तो ये पावरलेसनेस को भी दिखाता है कि उसके अंदर अब कोई क्षमता नहीं है, एज इफ द सी हैज रिलिंक्विश्ड इट्स होल्ड ऑन द सी, अब जो है ऐसा लगता है कि अब समुद्र ने उसका साथ छोड़ दिया है। द फिशेस फिजिकल एट्रीब्यूट सच एज इट्स आर्मर ऑफ हर स्केल्स एंड फिलिग्री ऑफ हर नोज मोल्स स्टैंड्स एज द टेस्टमेंट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इवन इट्स लाइफलेस स्टेट, यहाँ तक कि मछली पड़ी हुई अवस्था में है, मरी हुई अवस्था में है, फिर भी इसकी सुंदरता जो है शारीरिक सुंदरता उसके बारे में कहते हैं कि यह सब उसका आर्मर था। आर्मर मतलब एक प्रकार का ढाल थी उसकी चीज़ें, और अब वह उसके लिए कुछ भी नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिकल चेंज इज प्रेजेंटेड इन द टाइड्स कंटिन्यूस मूवमेंट, यहाँ पे लहरें जो हैं उठती आ रही हैं और साइक्लिकल चेंज को यह दिखाती है कॉन्सेप्ट, यह फेल हो जा रही है डिस्टर्ब करने में जहाँ पर मछली पड़ी हुई, यानी कि इसकी मौत हो चुकी है। द फिशेज हैवीनेस बिकम सिम्बॉलिक, अब मछली इतनी भारी हो गई है और धरती से इसका ऐसा लगाव हो गया है, जुड़ गई है कि अब समुद्र के अटेम्प्ट के बाद भी यह उसके स्थान से हटा नहीं पा रही है। सो द सीज परसिस्टेंट अटेम्प्ट्स टू रमेज अमंग द फिशेज ब्रैंकल्स एंड देन इवेंचुअली लीव रिफ्लेक्ट द ऑनगोइंग साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ इज नेचर, तो यहाँ नेचर के उस प्रकृति को दिखाया गया है जब व्यक्ति या कोई वस्तु अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, अब इसके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और जो ऑनगोइंग साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ इन नेचर जो है उसको इसकी मदद से दिखाया गया है। तो कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं, जो फिश है वो एक्सप्लोर करता है कम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो नेचर और मोर्टैलिटी के बीच में है, यूजिंग रिच एंड इवोकेटिव इमेजरी, इसमें ऐसे इमेजरी का प्रयोग किया गया है जिसमें कवि दिखाते हैं कि जो फिश की जो जर्नी है लाइफ टू डेथ वो कितनी क्लियर है, एंड द पोएम प्रॉम्प्ट्स रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द प्रोफाउंड कनेक्शंस बिटवीन ऑल लिविंग बीइंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट्स। अंत में ये कविता जो है वह एक इम्पॉर्टेंस को दिखाती है कि कैसे रीडर्स को ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी आप नेचर में देख रहे हैं उसका एग्जिस्टेंस जो है वो ट्रांजिटरी है, कुछ ही है, कुछ ही पल के लिए है, क्षणिक है, और जो प्रोफाउंड कनेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग बींग्स एंड द एनवायरनमेंट है ये भूला नहीं जा सकता है, प्रकृति के साथ सब चीज़ का जुड़ाव है, जिसका जीवन हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है। तो इस तरीके से आप फिश को समझ सकते हैं, यह बहुत ही वंडरफुल पोएम है KKN दारूवाला का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।